आज से लड़ाई शुरू है। इमरान खान की सियासत आखिरी ओवर्स कराने के लिए तैयार। शेख रशीद के लॉन्ग मार्च से कब्ल तहलका खेज इंकशाफात। याद रहे कि सोशल मीडिया पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपने एक बयान में दावा किया था कि नवंबर में आर या पार होगा। खान को कहता हूं, अब नहीं हो तो कभी नहीं, आर पार करो। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लॉन्ग मार्च से कबल एक ताज़ा ट्वीट किया और एक बार फिर दावा करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने लिखा कि आज इमरान खान लिबर्टी चौक से सियासत के आखिरी 5 ओवर्स करवाने जा रहे हैं। वो खुद भी लिबर्टी चौक जाएंगे। जुमे को लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। उन्होंने मजीद लिखा कि उनकी दुआ है कि लॉन्ग मार्च अमनो अमान, आइन और कानून के मुताबिक अपने मकासद हासिल करे। हुक्मरान जो इंतशार और खलफशार का खौफ फैला रहे हैं, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। एक और ट्वीट में शेख रशीद ने लिखा कि गरीब अवाम और पाकिस्तान संगीन तरीन बोहरान से गुजर रहे हैं। कंपनी की मशहूरी के लिए शहबाज शरीफ नवंबर में जितने गैर मुल्की दौरे करना चाहते हैं कर लें, गैर मकबूल भिखारियों को कोई खैरात नहीं देगा। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि इस्लामाबाद के अवाम इस्लामाबाद के अंदर से निकल आए तो क्रप टोले को भागने की जगह नहीं मिलेगी। शेख रशीद की ताज़ा पेशगोई के हवाले से क्या आप इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा।